वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 यानी वर्क एनर्जी एंड पावर से लास्ट टर्न पे हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉलिजन। तीन तरह के कॉलिजन हो सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड इनइलास्टिक। सो नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, आप लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं, 6.12.2 कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन। सो एक ही दिशा में टक्कर होने के बाद भी उसी दिशा में अगर जाते रहते हैं कोलाइडिंग पार्टिकल्स तो उसको हम कहते हैं कॉलिजन इन वन डी। शॉर्ट में वन डी कह देते हैं, डी का मतलब डायमेंशन। ओके, कंसिडर फर्स्ट ए कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये मान लेते हैं कि जो कॉलिजन हो रहा है वो कैसा है, परफेक्टली या कंप्लीटली इन इलास्टिक है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स चिपक जाते हैं। तो फिगर 6.10 को अगर हम ये माने कि ये कम्प्लीट इन इलास्टिक कॉलिजन है, और अजम्पशन ये ले लिया हमने कि ये m1 m2 से चिपक जाता है, थीटा वन और थीटा टू दोनों जीरो हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जब थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू जीरो हो गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम हमेशा लगा ही सकते हैं कॉलिजन में। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं लगाता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू v1i इक्वल टू टोटल मोमेंटम, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइंड हो चुके हैं, तो m1 प्लस m2 टाइम्स vf। तो यहाँ से हमें vf यानी फाइनल वेलोसिटी मिल जाती है m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v1i के बराबर। और जब हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कंबाइंड ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकाल सकते हैं। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कॉलिजन इज डेल्टा के से हम उसको दिखा रहे हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1i का स्क्वायर, जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। जब हम खुद ही कह रहे हैं कि लॉस है, इसका मतलब पहले ज़्यादा थी और बाद में हो गई है कम। तो पहले ज़्यादा थी उसमें से कम वाली यानी हाफ, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 क्योंकि मास कम्बाइंड हो चुका है, टाइम्स vf स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, vf की वैल्यू डाल देते हैं इसमें इन टर्म्स ऑफ v1i, क्योंकि vf हमें नहीं पता है। सो व्हाट वी गेट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें मिलता है हाफ m1 v1i का स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हम फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं चाहे तो। इसका जो ब्लू बॉक्स की डिटेल है इसको मैं अभी एंड में लेता हूँ इस लेक्चर के, कंटिन्यू करते हैं। तो हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मेट में मिलती है हाफ टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v1i का होल स्क्वायर। ये याद रखना आसान है बच्चों, क्योंकि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आगे आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, इसको रिड्यूस मास कहते हैं डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए, विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, जो कि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, इसमें साइन नेगेटिव नहीं आ रहा है, और ये टर्म्स जो भी आ रही हैं, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता और वेलोसिटी का स्क्वायर पॉजिटिव है। इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है किसमें, कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन में। कंसिडर नेक्स्ट एन इलास्टिक कॉलिजन। अब हम क्या है, इन इलास्टिक की जगह, कंप्लीटली इन इलास्टिक की जगह इलास्टिक कॉलिजन वाली कंडीशन ले लेते हैं, यानी परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहे हैं। यूजिंग द अबो नॉमेनक्लेचर यानी सेम डायग्राम के रेफरेंस में अगर बात करें, जहां पे थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू जीरो है, द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन आर। तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं हर सिचुएशन में, चाहे कैसा भी कॉलिजन हो, तीनों तरह के कॉलिजन के लिए, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक में। तो यहाँ पर क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन यानी परफेक्टली इलास्टिक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से भी लिखेंगे। तो यहाँ हाफ का फैक्टर नहीं दिखाया गया, कट गया, यहाँ पर भी हाफ m1 v1i स्क्वायर था, हाफ m1 v1f स्क्वायर यानी टक्कर के बाद की पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 v2f स्क्वायर टक्कर के बाद की दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ थ्रू आउट कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, 6.24 जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल रही है, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, और इक्वेशन 6.25 जो कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से हमको मिल रही है। फ्रॉम इक्वेशन 6.24 एंड 6.25 इट फॉलोज दैट, अब इन दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो v2f यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो आती है v1i प्लस v1f के बराबर। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 6.24, इसको अगर ऊपर रख दें हम, तो बच्चों इन इक्वेशन से यानी थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर है इन्वॉल्व,
और आप खुद से प्रैक्टिस करके इसको डिराइव करके निकालेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो V1F की ये जो वैल्यू है ये बड़े काम की है। कंपटीशन में हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं, V1F इज M1 - M2 अपॉन M1 + M2 टाइम्स V1I। तो फाइनल वेलोसिटी जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो थी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, उससे ये रिलेशन है। एंड V2F इज 2 M1 V1I अपॉन M1 + M2। ये मानते हुए यहाँ पे अजम्पशन क्या था बच्चों, कि सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। जैसे कैरम बोर्ड में क्वीन पड़ी है, स्ट्राइकर से आपने क्वीन को मारा, क्वीन एक खड्डे में गई, स्ट्राइकर दूसरे खड्डे में नहीं गया, ठीक है, टकरा के रुक गया, नहीं तो फाउल हो जाएगा। सो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे हमने अजम्पशन ये लिया कि डायरेक्शन भी एक ही कर दिए, θ1 = θ2 = 0 कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ cos थीटा sin थीटा के फैक्टर नहीं आए, पर अगर θ1 θ2 अलग रखते, तो मैं अलग से डिराइव करके आपको बता दूंगा पूरी डिटेल, उसको हम कॉलिजन इन 2D में पढ़ेंगे बच्चों। ये कॉलिजन इन 1D है, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए θ1 = θ2 = हमने यहाँ पे 0 लिया। सो V2F की वैल्यू इतनी आ रही है, 2 M1 V1 I अपॉन M1 + M2। तो इसमें जो सिमेट्री याद रखना आसान है, नीचे M1 + M2 आना ही है, ऊपर V1F में M1 - M2 है, जबकि V2F में 2 M1 V1 I है। दस द अननोन्स V1F यानी पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, V2F यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आर ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ द नोन्स। किसकी टर्म्स में? जो हमें पता है M1 M2, हमें मासेस पता है, और इनिशियल वेलोसिटी पता है ऑब्जेक्ट वन की। स्पेशल केसेस ऑफ आवर एनालिसिस आर इंटरेस्टिंग। अब ये जो एक्सप्रेशन हमको मिल गए, यानी इक्वेशन 6.27 एंड 6.28, इसमें हम स्पेशल कंडीशन लगाकर देखेंगे तो डे टू डे लाइफ से हम इसको लिंक कर पाएंगे बच्चों। पहला केस, अगर दोनों मासेस इक्वल हैं, तो जैसे ही M1 M2 के बराबर हुआ, तो आप देख रहे हैं V1F तो हो जाएगा 0 यहाँ से, तो V1F हो गया 0 और V2F हो जाएगा V1I के बराबर। तो अब इसको डे टू डे लाइफ सिचुएशन से अगर आप मैच कराओ, जिसने कंचे खेले हैं वो जानता है, कंचे खेलने के लिए नहीं, मार्बल्स का गेम, एक गोला बनाया जाता है मिट्टी में, वहाँ कंचे रख दिए जाते हैं, और जो खेल रहा है वो एक दूसरे मोटे कंचा, जिसको बोलते हैं बंटा, तो मोटे कंचे से फेंक कर मारता है, वो कंचा जाके टकराएगा किसी कंचे पर। कई बार ऐसा होता है बच्चों, वो तो वहीं रह जाता है जिसे फेंक कर मारा था, अगर दोनों का मास सेम है, कंडीशन अप्लाइड, तो वो तो वहीं रह जाता है जिस पे टक्कर लगी है, वो उसकी वेलोसिटी से, मतलब उसको ट्रांसफर हो जाती है वेलोसिटी, वो उससे चलकर निकल जाता है। सो दिस इज द सेम सिचुएशन हियर। सो V1F तो 0 हो गया, जिस जिसके पास वेलोसिटी थी उसके तो 0 हो गए, उसने अपना सारा का सारा मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर दिया, दूसरे वाले को। और ऐसा कब हुआ? जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, और दूसरी बात, दोनों का मास इक्वल था। द फर्स्ट मास कम्स टू रेस्ट एंड पुशेस ऑफ द सेकेंड मास विद इट्स इनिशियल स्पीड ऑन कॉलिजन। बात मजेदार है, ऐसा आप करके देखें, टेनिस की बॉल्स लें दो आइडेंटिकल और एक्सपेरिमेंट करके देखें, और फिर एक्सपेरिमेंट को थ्योरी से मैच कराने की कोशिश करें कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि पहली बॉल बिल्कुल रेस्ट पर आ जाए और दूसरी बॉल उसकी स्पीड से चलने लग जाए, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो आप पाएंगे कि कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं था, पर न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, वो आइडियल एग्जाम्पल है। केस सेकेंड लेते हैं बच्चों, इफ वन मास डोमिनेट्स, डोमिनेट्स यानी एक मास बहुत बड़ा है, सपोज M2 इज वेरी मच ग्रेटर देन M1, यानी जो रेस्ट पर है वो बहुत बड़ा है, जैसे दीवार, दीवार पर आपने बॉल को फेंक कर मारा, तो क्या होता है आपका एक्सपीरियंस, बॉल वापस लौटती है आपके पास। सो V1F इज इक्वल टू -V1I। इसी इक्वेशन से देखिए, यहां पर हमने किसको नेगलेक्ट कर दिया, M1 को नेगलेक्ट कर दिया, तो माइनस साइन बन गया, नीचे भी M1 नेगलेक्ट हो गया, M2 कट गए, तो V1F इज -V1I, बॉल वापस लौट आएगी उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से आपने फेंका। एंड V2F इक्वल टू 0, क्योंकि M1 नेगलिजिबल है कंपेयर टू M2, सो V2F इज ऑलमोस्ट इक्वल इन टू 0। द हैवियर मास इज अनडिस्टर्ब व्हाइल द लाइटर मास रिवर्सेस इट्स वेलोसिटी, सो दिस इज केस टू। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, केस थ्री इसमें नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। केस थ्री, अगर इसका उल्टा होता तो क्या होता, यानी M1 होता बहुत बड़ा और M2 होता नेग्लिजिबल, तो क्या होता? तो अगर M1 बहुत बड़ा होता
एम टू नेग्लिजिबल होता। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि ट्रेन जो है वो अपनी ट्रैक पर चल रही है और ट्रेन की ट्रैक पर आगे एक ठेला रखा है। कंडीशन व्हेन एम वन इज वेरी मच ग्रेटर देन एम टू, यानी वो जो ट्रेन है वो टक्कर मारते जाकर ठेले को। तो क्या आपके प्रेडिक्शन हैं? फिर से हम इन दो इक्वेशंस की बात करें तो आप देखेंगे जो फाइनल वेलोसिटी होगी v1f, इट ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज्ड। मैं ये सिंबल भी यूज कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज्ड, यानी ट्रेन अपनी वेलोसिटी से चलती रहेगी। इट इज इक्वल टू v1i, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। जबकि ठेला यानी v2f जो रेस्ट पर था शुरू में, वो अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन से उसके आगे दौड़ पड़ेगा अगर टूटा नहीं। टूट गया तो कुछ नहीं, अगर टूटा नहीं, मजबूत था, हमने बनाया कार्बन फाइबर से, है ना। तो बच्चों ठेला डबल वेलोसिटी से चलेगा। अब ये टू का फैक्टर कहाँ से आया और क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो गया? ऐसा लगता है हमको, पर यहाँ थोड़ा सा जो लॉस होता है वो यहाँ पर गेन की फॉर्म में सामने आता है। सो यही इन्हीं इक्वेशन से आप देख सकते हो ये टू का फैक्टर है यहाँ पर, और एम वन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू, तो एम टू को हम निगलेक्ट कर देंगे, एम वन कट गया, तो वी टू एफ हमें मिलता है वी वन आई के बराबर, यानी सेम डायरेक्शन में ठेला जो है, ठेला यानी हाथ गाड़ी, वो ट्रैक पर दौड़ेगा ट्रेन के आगे। तो ये हमने दो की जगह तीन केस कर लिया बच्चों। नाउ एग्जांपल 6.12, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हम यूज करते हैं फिशन रिएक्शन करवाने के लिए। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है बच्चों, फिजिक्स में, ट्वेल्थ में आप सीखेंगे इसके बारे में, कि अगर आपको फिशन करवाना है तो यूरेनियम 235 इज मोर सुटेबल कंपेयर टू 238, पर यूरेनियम 235 को अनस्टेबल करने के लिए, यानी उसका फिशन करवाने के लिए, फिशन किस प्रोसेस को बोलते हैं, एक बड़े न्यूक्लियस का दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटना, एटम बम में यही होता है फिशन। तो अगर आप फिशन करवाना चाहते हैं यूरेनियम का, तो पहली बात तो यूरेनियम 235 इज मोर सुटेबल, दूसरी बात इसका फिशन तभी हो सकता है जब एक स्लो मूविंग यानी कम एनर्जी वाला न्यूट्रॉन जाकर इसे टकराए, क्योंकि अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम लेते हैं तो वो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लाइफ से लिंक करें, मजा आएगा, लाइफ से लिंक करते हैं। आप रोज बादाम खा रहे हैं भिगोकर, रोज 10 बादाम खा रहे हैं, बबीता फोगाट तो पिक्चर में बताया था, वो तो 150, 200, 200 बादामें खा जाती थी दोनों बहनें। तो बच्चों आप 10 बादाम भिगोकर रोज खा रहे हैं, पर खाने का तरीका आपका ये कि आप बहुत फास्ट खा जाते हैं, मुंह में डाला निगल जाते हैं, ऑलमोस्ट बिना चबाए निगल जाते हैं। सो व्हाट विल हैपन, दीज विल नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी। बादाम आप खा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ये थे कि आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, बाल जो है वो चमकदार हो जाएंगे, चेहरे पे चमक आएगी, दिमाग में ठंडक रहेगी वगैरह वगैरह, ये उसके इफेक्ट से, पर ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। तो कैसे खानी पड़ेगी बादाम? स्लोली, बहुत स्लोली, चबा चबा के, एकदम उसको धीरे धीरे जूस बना के निगलेंगे उसका, चबा चबा के, तो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, तब ये इफेक्ट्स आएंगे बच्चों। सो आपके समझ में आ गया होगा कि स्लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता है यूरेनियम 235 में, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो फिशन नहीं करा सकता है। अब न्यूट्रॉन को हमें स्लो करना पड़ेगा, स्लो करना है तो उसकी एनर्जी को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसलिए आपने सुना है वो जो भारी पानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड हम वहाँ पे डालते हैं, कई बार ग्रेफाइट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडरेटर, तो मॉडरेटर का फंक्शन वही होता है बच्चों। सो स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, ए न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड टिपिकली 10^7 मीटर पर सेकेंड मस्ट बी स्लोड टू 10^3 मीटर पर सेकेंड so that it can have a high probability of interacting with isotope U92-235 and causing it to fission. Show that
न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कॉलिजन विद ए लाइट न्यूक्लियाई लाइक ड्यूटेरियम और कार्बन विच हैज ए मास ऑफ ओनली ए फ्यू टाइम्स द न्यूट्रॉन मास। यानी मास जब लगभग बराबर होगा तो, यानी बराबर नहीं होगा, कम होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। फ्यू टाइम्स द न्यूट्रॉन मास, ओनली ए फ्यू टाइम्स, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। द मटेरियल मेकिंग अप द लाइट न्यूक्लियाई यूजुअली हैवी वाटर D2O, जिसका मास न्यूट्रॉन के मास से कुछ गुना ज़्यादा होता है, वो सूटेबल मटेरियल है, और ग्रेफाइट इज कॉल्ड ए मॉडरेटर। बच्चों डिटेल यहाँ दी है, क्वेश्चन 12th में पूछा जाता है और कंपटीशन में आता ही है क्वेश्चन, नीट में भी आता है। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इज, हमने निकाल लिया K1I हाफ M1 V1I स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन यूज़ किया हमने, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं ड्यूटेरियम वहाँ पर रेस्ट पर है और ये न्यूट्रॉन जाके टक्कर मार रहा है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। द फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर बेस क्वेश्चन कंपटीशन में भी आपको मिलते हैं, स्कूल एग्जाम में भी मिलेगा। फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज, इसको मार्क कर लें, अच्छे से याद करें। तो हमने क्या किया, के इनिशियल और के फाइनल का रेशियो ले लिया और इससे हमें ये फ्रैक्शन मिला, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। याद रखना आसान है, सिमेट्री है फॉर्मूले में। वाइल द फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द मॉडरेटिंग न्यूक्लियाई, जो दूसरे को मिल गई, इस एक को लॉस हुआ, न्यूट्रॉन को लॉस हुआ और ड्यूटेरियम को मिल गई, वो है K2F अपॉन K1I इज, वो हो गई F2 इक्वल टू 1 माइनस F1, जितनी थी 100% उसमें से F1 कम हो गई, तो वो आता है 4M1M2 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर। बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, और बहुत ही सिंपल वे में NCERT में इन्होंने डिराइव किया हुआ है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन हमारे काम के हैं, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर एंड 4M1M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। वन कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस रिजल्ट बाय सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 6.28 फॉर ड्यूटेरियम। ये सारी वैल्यूज हम रख देते हैं, M2 इज ट्वाइस ऑफ M1। ड्यूटेरियम में क्या होता है, 1H2 होता है ड्यूटेरियम, तो उसका मास जो है जस्ट डबल है न्यूट्रॉन के मास का, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर। एंड वी ऑब्टेन F1 इक्वल टू 1/9 वाइल F2 इज 8/9। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द न्यूट्रॉन्स एनर्जी इज ट्रांसफर टू ड्यूटेरियम। और कार्बन की बात करें, यानी ग्रेफाइट यूज किया है, तो F1 71.6%, F2 होता 28.4%। इन प्रैक्टिस हाउएवर दिस नंबर इज स्मॉलर सिंस हेडॉन कॉलिजन्स आर रेयर। हेडॉन कॉलिजन तो कोई पर्टिकुलर स्टेट में होगा, अदरवाइज तो ऑब्लिक कॉलिजन होगा, जो हेडॉन नहीं होता, हेडॉन मतलब सीधी टक्कर, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कॉलिजन, जिसको हम कॉलिजन इन 2D में स्टडी करेंगे। इफ द इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉडीज आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, देन इट इज कॉल्ड ए वन डायमेंशनल कॉलिजन और हेडॉन कॉलिजन। इन द केस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज दिस इज पॉसिबल इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ बॉडी 1 पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी 2 विच इज एट रेस्ट। इन जनरल द कॉलिजन इज 2-डायमेंशनल वेयर द इनिशियल वेलोसिटीज एंड द फाइनल वेलोसिटीज लाई इन ए प्लेन, जिसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमने कॉलिजन इन 1D को सीखा, यहाँ पर लाइफ से लिंक करके मैंने आपको एक बात समझाई, वो बात क्या थी, न्यूट्रॉन को हम स्लो डाउन करते हैं क्योंकि स्लो डाउन न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता है, और लाइफ से हमने किसको लिंक किया, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको चबा चबा के अच्छे से खाएंगे तो सलाइवा के मिक्सिंग अच्छे से होगी तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज वो निकल जाते हैं, आप खाते हैं वो निकल जाते हैं। तो अभी इस ब्लू बॉक्स की डिटेल मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। सो एन एक्सपेरिमेंट ऑन हेडॉन कॉलिजन, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंटल लॉ भी दिया था रिगार्डिंग दिस, उसने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई को डिफाइन किया था। इन परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन कॉलिजन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस वी फेस 3 डिफिकल्टीज। 1, देयर विल बी फ्रिक्शन एंड बॉडीज विल नॉट ट्रेवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, सही बात है। 2, इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट साइजेस कोलाइड ऑन ए टेबल इट वुड बी डिफिकल्ट टू अरेंज देम फॉर ए हेड ऑन कॉलिजन, प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम आएगी, अनलेस देयर सेंटर्स ऑफ मासेस आर
एट द सेम हाइट अबोव द सर्फेस. थर्ड, इट विल बी फेयरली डिफिकल्ट टू मेजर वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन. बाद में तो नाप लेंगे हम, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर. बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट इन ए वर्टिकल डायरेक्शन ऑल द थ्री डिफिकल्टीज वैनिश. यानी अगर हम कोलिजन इन 1D को हॉरिजॉन्टली कंडक्ट करवाते हैं और उसको स्टडी करते हैं तो ये समस्याएं आती हैं, पर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इसे कर रहे हैं तो ये तीनों समस्याएं हमें नहीं आएंगी. टेक टू बॉल्स, वन ऑफ विच इज हैवियर. ये बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, बच्चों करके देखना. बास्केटबॉल ले सकते हो, फुटबॉल ले सकते हो, वॉलीबॉल ले सकते हो, एंड दी अदर लाइटर, दूसरी जो है टेनिस बॉल ले सकते हो, रबर बॉल ले सकते हो, टेबल टेनिस बॉल ले सकते हो. फर्स्ट टेक ओनली द हैवियर बॉल एंड ड्रॉप इट वर्टिकली फ्रॉम सेम हाइट, सम हाइट, कुछ ऊंचाई से गिराया, से 1 मीटर, 1 मीटर से गिराया. नोट टू विच इट राइजेस, वापस कितनी ऊंचाई तक वो आ रही. दिस गिव्स द वेलोसिटीज नियर द फ्लोर और ग्राउंड. अब वो जिस हाइट तक आ रही है, हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वेलोसिटी उसने गेन की. जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द बाउंस, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh लगा सकते हैं. हेंस यू विल गेट द कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे हमको पता चल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन अभी तक तो नहीं आया है बच्चों, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ. वट इज कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई. क्या होता है, कोई बॉल अगर टकरा रही है, सो वेलोसिटी जस्ट बिफोर कॉलिजन, अगर वो u है, जस्ट बिफोर कॉलिजन इज u एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन इट इज v, देन v बाय u, और मैं डायरेक्शन के साथ लूँ तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई बच्चों, इसलिए माइनस, और इसको हम बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज e. अब हमें पता है v कितना है, अगर इसको गिराया गया था हाइट s से और ये उछली है हाइट h डैश तक, बॉल को गिराया गया था h ऊंचाई से, तो u की जगह क्या आ जाएगा, टकराने की वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh थर्ड इक्वेशन से, और ये उछली है हाइट h डैश तक, तो बच्चों v की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh डैश, क्योंकि हाइट h डैश तक उछली है, इक्वल टू e. और यहाँ से आप देख रहे हो स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है h डैश अपॉन h, टकरा कर उछलने की वेलोसिटी, इक्वल टू e स्क्वायर. और यहाँ से हम कई फॉर्मूले और बना सकते हैं जो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे. सो इसको कहते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ फॉर कॉलिजन. Hence you will get the coefficient of restitution. Now take the big ball and a small ball and hold them in your hands one over the other, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर एक के ऊपर एक, with the heavier ball below the lighter one. As shown here, drop them together, taking care that they remain together while falling. एक साथ नीचे गिरेंगे क्योंकि दोनों का acceleration g है. You will find that the heavier ball rises less than when it was dropped alone, while the lighter one shoots up to about 3 meter. Energy transfer ho gayi bachcho. With practice, you will be able to hold the ball properly so that the lighter ball rises vertically up and does not fly sideways. Thodi si practice karenge. This is head-on collision. Jab straight line mein ho raha hai, to bolenge head-on collision. You can try to find the best combination of balls, which gives alag alag tarah ki ball ke saath aap try kar sakte hain. Gives you the best effect. You can measure the masses on a standard balance. We leave it to you to think how you can determine the initial and final velocities of the ball. तो वो under root of 5gh under root of 2gh लगा रहे हो आप या किसी और तरीके से निकाल रहे हो तो वो आपकी choice है. So students, हमने collision in 1D को समझा और 12th क्लास से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड एक फैक्ट आपने तैयार किया कि स्लो न्यूट्रॉन चाहिए हमको अगर हम यूरेनियम 235 का फिशन करना चाहते हैं. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेटा, एक बार दिमाग में स्टोर हो गया तो बस अच्छी बात है. इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. हैप्पी लर्निंग.